दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राजनीति वादों और दावों पर चलती है। चुनाव में बड़े बड़े वादा करके आए केजरीवाल साहब अपने एक भी वादे को अब तक पूरा नहीं किया। दिल्ली में लगातार बढ़ती रेप की घटनाओं पर भी एक समय केजरीवाल ने खूब राजनीतिक रोटियां सेकी और वादा किया कि सत्ता में आने पर महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, लेकिन पिछले 5 सालों में ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। इसके साथ ही महिलाओं पर बढ़ते अपराध को देखते हुए केंद्र सरकार ने जो निर्भया फंड बनाया उसका सबसे कम इस्तेमाल दिल्ली सरकार ने ही किया है। केंद्र सरकार महिला सुरक्षा के लिए निर्भया फंड से विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 2,264 करोड़ रुपए आवंटित कर चुकी है। हैरत की बात है कि महिलाओं के खिलाफ आपराधिक वारदातों से देश में बदनाम हो चुकी दिल्ली में महज 5% धन का ही उपयोग किया है। ये हालात तब है जब दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बड़े बड़े वादे और दावे करती रहती है। अब चुनाव फिर दिल्ली में है, ऐसे में केजरीवाल दिल्ली की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? हालांकि दूसरे राज्यों का भी यही हाल है। कुल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 18 ने आवंटित रकम का 15% हिस्सा ही खर्च किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।